बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल और उनकी पत्नी व अभिनेत्री कैटरीना कैफ को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में विकी कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। खबर आ रही है कि आदित्य राजपूत नाम का शख्स कैटरीना कैफ को काफी दिनों से सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा था और विकी कौशल ने उस शख्स को समझाने की कोशिश भी की थी, बावजूद इसके वो ऐसा करता रहा और आखिरकार ये कदम उठाने पर विकी कौशल मजबूर हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस शख्स का नाम सोशल मीडिया पर है, लेकिन ये उसकी असली नाम है या नकली उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लगातार सेलिब्रिटीज को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। कुछ दिनों पहले ही सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को एक लेटर के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेटर में ये कहा गया था कि तुम्हारा भी मूसेवाला कर देंगे, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर गोल्डी बरार ने ली थी। हालांकि बाद में ये सच्चाई सामने आ गई कि धमकी आखिर किसने दी थी। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ है। हाल ही में कैटरीना ने शादी के बाद अपना पहला जन्मदिन मनाया था, जहां विकी कौशल के भाई सनी कौशल और कैटरीना कैफ के कुछ दोस्त मौजूद थी। उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने भी आई थी। मेट्रो मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।